हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कूलॉम लॉ क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि चार्जेस क्या होते हैं, हाउ दे आर डेवलप्ड, वेयर दे आर डेवलप्ड एंड व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द चार्जेस। ठीक है, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक होती है, वहाँ फोर्सेस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं तो दे विल रिपेल, अदरवाइज डिससिमिलर चार्जेस विल अट्रैक्ट। तो सवाल ये उठा दिमाग में कि ये जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, तो उसका पता कैसे लगाएं। उसके लिए कूलॉम्स लॉ हम पढ़ेंगे, जो ये बताएगा कि कितना फोर्स लग रहा है। वो इस बात को भूल जाएगा कि ये अट्रैक्शन का है कि रिपल्शन का है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है कि चार्जेस विच आर एट रेस्ट एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग वन एंड अनदर। ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पर है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब एक दूसरे के ऊपर एक इफेक्ट कर इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इन जनरल अगर कहें तो वो फोर्स क्या है, कहां से उसको डिटरमिन करेंगे, कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, तो कूलॉम साहब ने क्या कहा कि उन्होंने दो बेसिक रूल बनाए। उन्होंने कहा कि अगर सपोज वी हैव टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, अब दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनको सेपरेट किया गया है कुछ डिस्टेंस आर से, तो व्हाट आर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट मास भी आपने सुना होगा, पॉइंट डिस्टेंस, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मास का मतलब ये होता है कि जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं उसका खुद का साइज, शेप या हम कहें डायमेंशन ओवरऑल, वो नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन। यहां पर वो डायमेंशन क्या है कि दो चार्जेस जो पॉइंट है वो सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस होगी 1 मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर में रख लीजिए। वो क्या है, उसकी वैल्यू इनके साइज के कंपेरिजन में बहुत बड़ी है। ठीक, माइक्रो कूलॉम ले लें 10^-6 कूलॉम, ठीक, पिको कूलॉम ले लें 10^-12 कूलॉम, और उस कंपैरिजन में जो 10 सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो हम उस केस में कहेंगे कि उनका डायमेंशन, उनके बीच के डिस्टेंस के जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में नेगलिजिबल है, इसलिए वो हो गए पॉइंट चार्जेस। ठीक, तो उन्होंने कहा अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन द एक्टिंग फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं वो चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा कि एडिशन के बराबर होगा। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लिया। क्यों, उन्होंने ये कहा कि इन चार्जेस के बीच का क्या रिलेशनशिप है, कि हाउ, अगर हम चार्ज इंक्रीज करें, हाउ मच इंक्रीज इन चार्ज विल हाउ मच इन टर्न इंक्रीज द फोर्स। तो ये बात पता लगाने के लिए क्या कहा, उन्होंने मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लिया। सपोज वी हैव 1 कूलॉम हियर, 1 कूलॉम हियर, चार फोर्स उसी रेशियो में इंक्रीज कर गया विद द रेशियो ऑफ चार्जेस। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर 2 है एक चार्ज और एक 3 है, अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ आ जाएगा 5। इसको उन्होंने गलत माना, सही रिलेशन ये है कि 2 × 3 उस रेशियो में हो गया 6 चार्ज, उसी रेशियो में फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स व्हाई ही एनकाउंटर्ड अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल रादर टू यूज एडिशन। सेकेंडली ही एडवोकेटेड दैट द एक्टिंग फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस को सेपरेट करने वाली डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस रिलेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर। ठीक, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टेंट इस्तेमाल किया। नॉर्मली सभी जगह के ही लिखा हुआ है, फोर्स कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं, लेकिन जब कूलॉम साहब ने डिस्कवरी की थी तो उन्होंने सी लिया था,
तो हम के ना लिख के अभी फिलहाल सी लेके चल रहे हैं. सी रिमाइंड्स अस दिस वर्क इज एसोसिएटेड टू द नेम ऑफ कोलंब. ठीक है, उसकी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन की और सी की वैल्यू के बारे में उन्होंने पता लगाया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलर स्क्वायर. सी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो फोर्स की डायमेंशन न्यूटन हो गए, इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा, कूलर इंटू कूलर कूलर स्क्वायर. तो यूनिट क्या हो गए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलर स्क्वायर. अब ये है क्या चीज, बेसिकली क्या है, जो चार्जेस जहां रखे हैं उन पर उनके सराउंडिंग मीडियम का अफेक्ट पड़ेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का अफेक्ट पड़ेगा कि चार्जेस वेयर आर दे केप्ट, कहां रखे हैं. तो उस सराउंडिंग मीडियम की वजह से वो एफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो उस सी की वैल्यू बेसिकली निकल के आती है सी, या हम ठीक है 1/4πε₀. ε₀ क्या है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. अब ये परमिटिविटी क्या भला है, इसके बारे में आप कैपेसिटेंस के चैप्टर में, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के चैप्टर में रिलेटिव परमिटिविटी जब जहां पढ़ेंगे तो वहां इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने को आपको मिलेगा. फिलहाल आप ये समझिए इसकी वैल्यू यहां से निकल के आती है, ε₀ की वैल्यू होती 8.854 × 10⁻¹² कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू यहां रख देंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है, तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर. किसी भी बुक में देखिएगा आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन. यहां मेन चीज क्या समझनी है, बुक के अलावा हमें क्या समझना है कि पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये लॉ लगता है, यानी कहीं ना कहीं इस लॉ के अपने लिमिटेशंस हैं. पहला ये समझिए कि ये जो इक्वेशन है, जो ये वैल्यूज आई हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे रही है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वेदर इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर हम ये सोचे रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड बताएगा. अ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी होगी, यानी कूलॉम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकेंगे. हम आगे वाले लेक्चर्स में इसको लिखेंगे भी. क्यों लिखेंगे, क्योंकि फोर्स है और फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखेगा. दूसरा, ये जो फोर्स है लगने वाला, इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, चाहे इस डायरेक्शन से चलिए चाहे इस डायरेक्शन से चलिए, जो लाइन ज्वाइन कर रही है चार्जेस के वो अलोंग द डायरेक्शन रहेगी. तो इसके लिमिटेशंस क्या है, पहला लिमिटेशन क्या है कि जो चार्जेस हैं वो हमेशा पॉइंट चार्जेस ही होने चाहिए. ठीक है, ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा रिपल्शन का होगा ये बात यहां से नहीं पता चलेगी. ये बात पता चलेगी कब, जब हम रिस्पेक्टिव चार्जेस की क्वांटिटीज के साइन को इनकाउंटर करेंगे, उनका सिंबल क्या है ये देखेंगे. तो उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन की गई कि अगर Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन है 0, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये फोर्स हमेशा रिपल्शन का होगा. समझिएगा इस बात को. और अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है देन द फोर्स विल बी ऑफ अट्रैक्शन. ठीक, दूसरा, जब आपने चार्जेस और मास का कंपैरिजन किया था तो आपने देखा था कि चार्ज जो है समहाउ इट इज लाइक द मास. प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, एक मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसका टाइटल यही है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास. तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन, वो भी इस कूलॉम लॉ में छुपा हुआ है. कैसे, दो बॉडीज हैं जो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं. सपोज ये चार्ज प्लस है ये चार्ज प्लस है, तो आप जानते हैं लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो जितनी ताकत से ये दूर भागेगा रिपेल करेगा, उतनी ही ताकत से ये भी भागेगा, इक्वल फोर्स लगाएंगे. दोनों माइनस के होते हैं, यहां पर दोनों ही एक दूसरे से दूर भागते रिपेल करते. लेकिन अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट है, ठीक है, यानी वन इज प्लस माइनस
plus and another is minus. They will attract. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वी नो वेरी वेल. ठीक, अब ये सवाल उठेगा कितने फोर्स से अट्रैक्ट करें. वो इक्वल फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा. इक्वल बट अपोजिट. तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? यही तो कहता है. तो फोर्स लग रहा है इक्वल बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन. तो समहाउ इट रिलेट्स द थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. और दूसरा क्या हो गया कि एक जेन्युइन सा सवाल और आता है दिमाग में कि जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो कितना होना चाहिए. कोई एक मिनिमम वैल्यू उसकी डिफाइंड होगी. कहां तक रखें हम कि ये इफेक्टिव रहे. तो उसके लिए क्या है कि अगर आर की वैल्यू 10^-15 से ज्यादा ही रखनी है हमेशा अगर आपको इस लॉ को यूज करना है. अदरवाइज जैसे ही आर लेस देन हो जाएगा 10^-15 मीटर के, ये न्यूक्लियर रेडिएशन होती है 1 फर्मी, फिर वहां पर कूलॉम लॉ नहीं लगेगा. फिर वहां क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस इफेक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस इफेक्टिव हो जाएंगे, फिर कूलॉम लॉ आपको भूलना पड़ेगा. दूसरा, ये यहाँ स्पेस में रखे हैं तो ये ग्रेविटी से गवर्न नहीं होंगे. क्यों? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बहुत कम मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस. आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल वर्ल्ड में 10^43 टाइम्स ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में. इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी को एनकाउंटर नहीं करेंगे. लेकिन जैसे ही साइज कम होगा आप तुरंत न्यूक्लियर रेडियस पे पहुंच जाएंगे, एटॉमिक स्केल पे पहुंच जाएंगे, तब फिर आप कूलॉम लॉ की बात नहीं करेंगे. क्योंकि देख सुनते होंगे आप कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, सारे प्लस होते हैं वहां पे, तो रिपल्शन क्यों नहीं होता, वो बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है, वहां न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, वो बाइंड करके रखते हैं. वहां पर हम इनकी प्रॉपर्टीज वहां नहीं लगा सकते भाई. सारे प्रोटॉन्स को बाहर निकल जाना चाहिए कूलॉम लॉ के हिसाब से, पर ऐसा नहीं होता है. साइज मैटर्स. तो यहां पर क्या है कि जैसे ही इनका सेपरेशन 1 फर्मी के ऑर्डर का होगा हम कूलॉम लॉ नहीं लगा सकते. पहले लिमिटेशन क्या है, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस. दूसरी क्या है कि हम कैसे पता करेंगे कि अट्रैक्शन का रिपल्शन का है, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बारे में जानकर ही पता लगेगा. अगर ग्रेटर देन जीरो है इट विल बी रिपल्सिव, लेस देन है तो अट्रैक्टिव. तीसरा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है एक्शन और रिएक्शन का. ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हमने कूलॉम लॉ के बारे में समझा, कहां लगेगा, कैसे लगेगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड है. नेक्स्ट लेक्चर में हम और बातें करेंगे इसके बारे में, आइडिया लेंगे कि अगर ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इसको हम वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखें. इज इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट दिस कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन. तो वो चीजें अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको पूछिए प्लीज. ठीक है, थैंक यू.